हेलो भाई, आज हमारे सामने खड़ी है हीरो की तरफ से ये जब से आ रहा पिकने वाली बाइक सुपर स्प्लेंडर। ये इसका मैट फिनिशिंग में मिल जाता है, ये एक्सटैक की बैजिंग मिल जाता है, ये एक्सटैक वाला वेरिएंट है। तो आज मैं इसका डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा कि ये कैसे मुझे कैसा क्या लगा चलाते हुए। इसे देखिए, कम से कम हो गया है 1600-1700 किलोमीटर चलाते हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कैसा कुछ इसका एक्सपीरियंस रहा मैं आपको शेयर करके बताऊँगा। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो चलाने में कुछ खास है नहीं ये, और इसमें कुछ ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है कि खास बन जाए। आपको E23 का बैजिंग मिल जाता है, इसमें 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल पड़ेगा। अब और बात करें इसमें क्या कुछ मिलता है, तो कुछ खास है ही नहीं बताने लायक। अब इसको तो SP से कंपेयर कर ही नहीं सकते, SP में कहाँ है ये, कहाँ ये। अगर आपको ऐसे ही नॉर्मल चलाना तो ले सकते हैं, SP काफ़ी अच्छी बाइक निकल के आती है। मीटर वीटर की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ये सामने से आप देखते हैं तो एकदम साइकिल की तरह लगता है हैंडल, ये देख सकते हैं आप, ये छोटा छोटा हुआ मिरर कैसा कुछ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे आप देखिए कुछ खास नहीं है। सीटिंग वीटिंग भी कुछ अच्छा नहीं मिलता मुझे, ये बेसिक सी बाइक लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती। पीछे से भी आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, और साइड से भी देखिए कुछ अच्छा खास मिलता नहीं है। इसके जगह आप SP की तरफ जाएं तो काफ़ी बेटर ऑप्शन निकल के आता है। SP में अब तो टायर भी अपग्रेड हो गया है, इसका ड्रम वाला वेरिएंट है। आगे से देखिए तो ऐसा कुछ लगता है DRL जलते हुए, मुझे कुछ खास लगता नहीं। आप अपना बताइए जरूर, सबका अपना अपना पसंद होता है, मुझे जो पसंद है मैं अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मिलता है ये फ्रंट से, यहाँ पर 3D में हीरो की बैजिंग मिल जाएगी, और सामने से ऐसा कुछ टायर और मिल जाता है। कुछ खास लगता आपका है नहीं ये बाइक, इसके जगह आप SP ज़रूर देखें। ये बाइक मुझे पर्सनली बहुत बेकार लगी, आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करें, धन्यवाद।